पहले मैं बा पंडित की परीक्षा लूंगी। तो नंद बाबा ने कहा परीक्षा ले लो, ऋषिराज बैठे आंगन में। तो रोहिणी से कहा देख सुनती है तू बहना नहीं, कहो देख मैं गोरी मेरो लल्ला कारो, मैं गोरी और मेरो लल्ला कारो, और तू कारी तेरो लल्ला गोरो। अब तू ऐसो करे मेरो लल्ला अपनी गोदी में बिठा ले और तेरो लल्ला मैं अपनी गोदी में बिठा लेती हूं, और तब जब बाबा के सामने चलेंगे, और जब बाबा ने अगर जांच कर ली कि जब लल्ला किसको किसकी गोदी में, तो नामकरण कराऊंगी अन्यथा नहीं कराऊंगी। अभी यशोदा ने अपनी गोदी में बलराम को लियो, रोहिणी ने अपनी गोदी में कृष्ण को लियो, बाबा को प्रणाम कियो, बाबा प्रणाम, गर्गाचार्य मुनि बोले आयुष्मान भव, ठीक हो देवी? हाँ बाबा, पर मेरे लिए लल्लन को नामकरण संस्कार कर दोगे? अरे जवाब दिया नामकरण संस्कार करने को तो हमें भेजो ही है यहाँ पे, नामकरण करने ही भेजो यहाँ पे। भैया जवाब तो तुम्हारो का नाम? तो यशोदा बोली मेरो नाम यशोदा, और बाबा को नाम नंद बाबा। खोलो पत्रा अपनी। सोई गर्गाचार्य मुनि ने कहा मैया इतनी बड़ी बकवास मत करो, तुम्हारी जो गोदी में लल्ला बैठो है ये तो तुम्हारी रोहिणी को है, और रोहिणी की गोदी में जो बैठो है ये तुम्हारा है। यशोदा बोली बाबा बड़ो चालाक है, जाने तो फट देसी पहचान लियो, अब तो नामकरण करा लेना चाहिए, हमारी शर्त भी पूरी है गई। गर्गाचार्य मुनि ने पत्रा को खोला, बड़ा सुंदर नाम रखा है यादवेंद्र सरकार का कृष्ण। बोली कृष्ण भगवान की, बड़ा सुंदर नाम रखा गया कृष्ण। मेरे भैया आप लोगों की कृपा है, अब तुम्हें तो कथा अच्छी लग रही है, जो हमारे नौजवान खड़े इन्हें अच्छी नहीं लग रही। क्यों? जब हम बाहर जाते हैं तो हम तो हर तरह की कथा प्रभु ने दी है, ब्रजभाषा है भैया, और अपने देहात में का चाहिए? आहा, तो ब्रजभाषा का तो आनंद ही कुछ अलग है। नामकरण कयो कृष्ण गोपाल नंदलाल मुरारी, एकदम जवाब दो कितने नाम होंगे बाबा? यहां तो तेरी बात झूठ है धीरे धीरे। तो कही के बात झूठ क्यों? बोले झूठ इसलिए नाम तीन हो में चार हो में, तुमने तो लाइन लगा दी गोपाल श्री हरि माखन चोर ब्रजवास, अरे तमाम नाम बता डाले। एकदम जवाब दियो बाबा, अब तू झूठे ही बोल रहे हो, अब सांची नहीं बोल रहे हो। तो यशोदा मैया से एक बात कही, ये तो जग को पालनहार है, ये जगत को स्वामी है, ये अंतर्यामी है, और मैया तू ये कहती है ना कि मेरा लाला ये तेरा लाला नहीं, ये तेरो बाप है। यशोदा एकदम लाल हो गई, अरे बाबा मेरो बाप कैसे? एकदम जवाब दियो मैया, ये तेरो ही बाप नहीं, ये तो सारे संसार को ही बाप है। नामकरण हुआ, बड़े पुत्र का नाम बलराम रखा है, इसके अंदर बल बहुत है, मैं इसका नाम राम रखता हूं, लेकिन आगे आने वाले समय में अधिक ताकत होने के कारण, अधिक बल होने के कारण इनका नाम बलराम पुकारा जाएगा। प्रिय सज्जनों, भगवान सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित, कृष्ण का नामकरण किया, मैया ने हीरे जवाहरात मोतियों के थाल गर्गाचार्य को दान करना चाहती है, परंतु गर्गाचार्य बोले मैया आज तो मैं धन्य है गयो तेरे लाला के दर्शन पाके, ये तेरे हीरे जवाहरात मोती मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, आज तो बड़ो आनंद है ब्रज में, आनंद ही आनंद।
कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी देखिए मीठी मीठी ताली बजाते हुए आनंद लेंगे, भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ है। देखो अगर इनसे कह दी जाए डीजे बजरो नाचियो तो खूब कूदते हैं, ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे आनंद लेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ है। भगवान ने अनेकों राक्षसों को मारा, बकासुर नाम का राक्षस भेजा, भगवान पालना में झूल लए थे। जिस समय पालना में झूल लए थे, पालना में झूलते ही झूलते बकासुर ने कन्हैया को अपनी चोंच में ले लिया है। वो बकासुर कृष्ण को अपने पेट की ओर निगल गया। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र को धारण किया है और जैसे सुदर्शन चक्र को धारण किया उसके उदर में अग्नि प्रकट हो गई है। भगवान ने अग्नि को जिस समय प्रकट किया उसी समय बकासुर ने भगवान को बाहर निकाल दिया। भगवान ने खेल ही खेल में उस बकासुर की दोनों चोंच को पकड़ के बीच में से फाड़ दिया है। लेकिन कंस को किसी ने जाके नहीं बताया कृष्ण काला है, कृष्ण गोरा है, कृष्ण पतला है, कृष्ण मोटा है। और ये दाना आया है, खैर कोई बात नहीं, तुम कुछ करवा ले जो करवा।